अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमजान खैरियत से जा रहा होगा। आज हम बनाएंगे टिक्के, जो बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत ही जल्दी बनते हैं, बहुत मजे के होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 2 किलो चिकन है, जिसको मैंने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कटवा लिया था। अभी इसके लिए 2 टेबलस्पून में इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। वन एंड हाफ टेबल स्पून चिली पाउडर, 1.5 टेबल स्पून जिंजर, 1.5 टेबल स्पून गार्लिक, 1/4 कप लेमन जूस, 1 में टिक्का मसाला नेशनल का वो 1 पैकेट डालूंगी, 1/4 कप ऑयल, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है। अभी मैं इसको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। देखिए, का मसाला जितनी देर पहले लगाएं, जितना रोटियों के अंदर रस बस जाए, उतना ज्यादा वो अच्छा फ्लेवर देगा, अच्छा टेस्ट देगा। ओवरनाइट आप लगा के रख दें, वो बेस्ट रिजल्ट आएगा। वैसे 3-4 घंटे भी ठीक है। अभी हम इसको रख देंगे। ये देखिए जी, 3 घंटे हो गए हम इसको किए हुए मैरिनेट। अभी हम इसको एक दफा मिक्स करेंगे और फिर सीखों पे लगाएंगे। मैंने ऑयल पहले इसके अंदर काफी डाल दिया था, अब ऊपर ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके सारी सीखों पर लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी कितने जबरदस्त टिक्के बन के तैयार हैं, माशाल्लाह। आप भी बनाएं, सबको खिलाएं, मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। रमजान में तो बेस्ट है, नाइस लगेगी रमजान में इफ्तारी के लिए। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।